साधक को इस बात को लेकर पहले झगड़ा चलता रहता है कि ये सांसारिक व्यवहार ठीक है या प्रभु की प्राप्ति ठीक है। बहुत से तो इसी झगड़े में पहले वाले सूत्र में परास्त हो जाते हैं कि यार माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ता नाता बालक ये सब इसको तो करना ही है, यही तो धर्म है, मेरे सिवा इनका कोई नहीं है और इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है इनका पालन पोषण करना। उपासक पहले ही निश्चय में गिर जाता है, जो सत्संग नहीं किए वो, जैसे ये प्रश्न भी सत्संग में ही उठता है, जब हम सत्संग में भगवत प्राप्ति की बात या शास्त्र स्वाध्याय से संतों की वाणी से जब हम ये निश्चय करने के लिए तैयार होते हैं, पहले तो निश्चय करने की ही वृत्ति नहीं आती, पर जब हम तैयार होते तो हमारे सामने दो दिखाई देते, एक तो संसार शरीर शरीर संबंधी भोग शरीर संबंधी रिश्ते नाते, तो इनका कर्तव्य करना ये ठीक है या भजन करके भगवत प्राप्ति करना ठीक है, तो बहुत से इसी में गिर जाते हैं। अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, बड़े नजदीक हैं और हैं विद्वान, शास्त्र का ज्ञान है, पूरा ब्रह्मणत्व से चलते हैं अब भी, पर परमार्थ का ज्ञान नहीं है। शास्त्र का ज्ञान है, आपको उत्तर दे सकते हैं। जब उनसे कहा कि भाई भजन करने का समय है कर लो नहीं तो पछताओगे, तो उनके मुख से निकला कि प्रारब्ध में होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भजन हो जाएगा। अब तो हम तुरंत जवाब दिया, ये कोई कर्म फल है भगवत प्राप्ति? प्रारब्ध क्या है? तुम्हारे किए हुए शुभ अशुभ कर्म, वही फल देने के लिए तैयार है। भगवत प्राप्ति न शुभ से होती ना अशुभ से, दोनों का नाश करके जो निष्काम हो जाता है, निश्चल बुद्धि प्रभु में स्थापित कर देता है, वही भगवत प्राप्ति। और उसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। भगवत प्राप्ति भाग्य या प्रारब्ध के अधीन नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। शरीर का स्वस्थ रहना या अस्वस्थ हो जाना, प्रतिकूलता अनुकूलता मिलना, लाभ हानि मिलना, ये सब भाग्य से है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये विधियात, ये विधान के आते प्रारब्ध के। भगवत प्राप्ति नहीं, भजन नहीं, सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति अगर भाग्य से होने लगी तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या रही? हमें भाग्य निर्माण करना है। ये जो हमारा जन्म हुआ ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान, पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि वो भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है, किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो ये ना करो, क्योंकि वो वही करेंगे जो उनके सुकृत है, उसके अनुसार बस भोग भोगेंगे, आगे कुछ नहीं कर सकते, नवीन कर्म नहीं कर सकते, न नारकी जी कर सकते हैं न स्वर्ग के कर सकते हैं, सब अपने अपने परिणाम को केवल भोग रहे हैं। यहां परिणाम उपस्थित करने का अवसर है, आप जो चाहो अपना परिणाम कर सकते हो, आप चाहो नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नारायण बन जाओ, जो चाहो कर सकते हो, मनुष्य शरीर है। तो ऐसा शास्त्र स्वाध्याय और पंडिताई ज्ञान किस काम का जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध पे छोड़ दे। तो कुछ जन है जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, परिवार का पोषण या भगवत प्राप्ति, दो विभाग कर ले इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर सकता। और सही पूछो तो दो विभाग है नहीं, एक ही बात है, समझ जाओ तो वहीं वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके विचार में आता है कि अभी तो ब्याह हुआ है या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी नए हैं, क्या जाने संसार का, मेरी आवश्यकता है नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा, और वो अपने अहम जनित कर्ता भाव से ऐसा बंध जाता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता। समझो रे भाई लोगो,
समझो रे दीवाना, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, ए भाई समझो, जिस कर्तव्य को तुम विसार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। यहां से जाना है, यहां से जाना है। ये भूल जाते हैं, माया की ऐसी भूल भुलैया है कि हमें शरीर में राग और शरीर संबंधियों के राग में सुख मिलने लगता है और लगता है कि मैं अविनाशी हूं। वैसे मैं तो अविनाशी ही है, पर विनाशी को लेकर मैं ये भूल कर बैठता है, और जिसको पकड़ा है वो सब विनाशी, सब विनाशी। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। समझो, ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे भाई समझो, समझो अरे माया के दीवानों, यहां से हमें जाना है, जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में, ये कुटुंब का मोह ऐसा मोह है कि कैसे तुम्हें बताएं। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है, ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी विचित्र भूल भुलैया है। मोह कुटुंब के अवसर खोयो, दो बातें आती हैं, परिवार का पालन पोषण, ये धर्म पालन करूं या हरि का भजन करके भगवत प्राप्ति करूं। तो बोले मोह कुटुंब के अवसर खोयो, अवसर मिला है तुमने भलो पायो दांवरे, चूक ना अवसर प्यारे भलो पायो दांवरे। बड़ा अच्छा अवसर मिला है भजन करने का, चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। हरि की शुद्ध बिसराई, अब वो निर्णय करता है परिवार के पोषण का, क्योंकि मोह ममता है। पीछे का हर बार सत्संग में कहते हैं कि पीछे का रास्ता एकदम बंद हो जाना चाहिए, कि आगे कोई भयावह स्थिति आवे तो लौटने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। उपासक को पीछे का मार्ग बंद कर देना चाहिए, पर होता क्या है, अपने लोग बहुत कमजोर हैं तो कदम ऐसे रखते हैं पर पीछे वाला पुष्ट बनाए रखते हैं, कि अगर इधर थोड़ी भी आंच लगी तो कदम पीछे करके सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षा है। परिवार का राग, अन्य भरोसा, किसी देहधारी का भरोसा, किसी वस्तुओं, ये भरोसे लायक चीज है, अरे क्षण में बिगड़ जाने वाली चीज है। भरोसा तो हरि का है, भरोसा तो हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो, ये भरोसा कभी तुम्हें विश्वासहीन नहीं होने देगा, ये भरोसा कभी धोखा नहीं, साधु ते हो न कारज हानि, कभी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की शुद्ध बिसराई, अब दिन तो बैल की तरह काम करने में व्यतीत हो रहा है और रात्रि नींद और भोग में समाप्त हो रही है। आठों पहर की 60 घड़ियां बेकार में इसने व्यतीत कर दी, एक क्षण भी शांति से बैठकर विचार नहीं किया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, और अपना कुशल चाहता है। छिन हरि को नाम लेनो, कुशल कहां ते हुई, तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती जब तक भजन नहीं करोगे। बालक अवस्था तो खेल में चली गई, जवानी हुआ तो अहंकार मद छाया, मैं करता मैं भोगता इसमें चली गई। जब वृद्ध आया तो रोग और चिंताओं ने घेर लिया, इतना दुखी है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनसे दूर होकर भजन कर लूं। ये जो वो भजन का नाटक होता है, भजन हम देखते हैं ऐसे ही लगा रहता है, कैसे हो और बढ़िया सब, और क्या करें, और मरने का ठोर आ रहा है, और क्या करें, तुम आए हो भजन करने के लिए और में भी फंसे हो, क्या कर दूं, कहां से कैसे व्यवस्था कर दूं। हम ही चला रहे हैं, भले वृंदावन में बैठे, परिवार हमारे अनुसार चलेगा, हमारे ही नहीं तो नष्ट हो जाएंगे।
आए हैं वनवास करने के लिए, भजन करने के लिए, पूरा का पूरा प्रपंच दिमाग में पता लगता है। वृद्ध भये चिंताति उपजी दुख में कछु न सुहाता। अरे भूल क्यों रहे हो, चेतो। साधु चेताता है जगत को, चेतो। काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। आए अचानक बांधे, यम के दूत आकर अचानक बंधन में डाल करके ले जाते हैं। अब वो निर्णय कर रहे, झूठे जग से नेह छोड़कर साचो हरि नाम उचारो, चरण दास सुखदेव कहते हैं अपना भला विचारो, इसी में अपना भला है। तो क्या करें, घर परिवार छोड़कर तुम्हारी तरह बाबा जी बन जाए? बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर आप बाबा जी बाहरी बात को ले रहे हैं तो हम उसको समझ लीजिए, बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, प्रभु के होने से भगवत प्राप्ति होती है। वो आप चाहे गृहस्थ वेश में रहकर बनो या आप विरक्त वेश, दो मार्ग शास्त्रों ने स्थापित किए हैं, वो प्रभु के लिए। अगर वेश बदल लिया है और परिवार का राग है, भोगों का राग है, संसार की सत्यता का भान हो रहा कि सब सत्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेश परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। गधे की पीठ में चाहे मिट्टी ला दो, चाहे कबाड़ ला दो, चाहे वेद ला दो, उसको बाहर से मतलब है। शरीर में चाहे लाल कपड़ा पहनो, चाहे सफेद पहनो, चाहे काला पहनो, चाहे नीला पहनो, चाहे पीला पहनो, ये तो वस्त्र है। आपका उद्देश्य क्या हुआ, आपका अपनापन कहां गया, ये खास बात है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बाबा जी बनने से वो मोक्ष पद प्राप्त, नहीं। जहां संत की बात आएगी वहां लक्षण होंगे, जहां भगवत प्राप्ति की बात आएगी वहां मन का प्रभु में तन्मयता होना, प्रभु में डूबना, प्रभु के चिंतन में मगन होना होगा। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों के एक है कि संसार का व्यवहार पसंद नहीं तो निवृत्ति मार्ग का पथिक बन गया, और एक है कि संसार के व्यवहार को भगवत स्वरूप समझकर, भगवत अर्पित करते हुए अपने को प्रभु का मानकर, प्रभु को अपना मानकर चल रहा है, ठीक वैसे ही भगवत प्राप्ति उसको भी होगी। हम लोग जब सत्संग में बात सुनते हैं तो निर्णय करने के लिए हमारा ही हृदय होता है। अब लगा कि नहीं ठीक है, भजन तो करना है, पर हम ऐसा नहीं है कि कर्तव्य के लिए रुक रहे, पर कुछ समय अब हम लेंगे फटाफट सब निपटा के। तो तुमसे भी चतुर काल है, वो उतने ही समय में तुम्हें निपटा देगा, बहुत चतुर है। हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि बस ये काम हो जाए हम आए, आज तक वो लौट के नहीं आ पाए, क्योंकि वो गली ऐसी है, क्या है, बहुत दलदल है आगे। जो गया ना मोह कलिल में डूबा, अब निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सत्संग में इतना सामर्थ्य है कि अभी आप सुन रहे हो, अभी आपको ऐसे सब ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, और गेट के बाहर होइएगा, वो हवा लगने दीजिए, तब लगे कैसे निकले, ऐसी प्रचंड माया है। इसीलिए तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव, तब मन प्रेम रस में बराबर सत्संग होता रहे, बराबर साधु संग मिले। घड़ी दोए में मेला बिछुरे, अरे साधु देखी तमाशा चलना, जो ही आकर ही वे इकट्ठे, तीन सो बहुरी न कबहू मिलना। अरे साधु ये तमाशा है, तमाशा बस दो घड़ी का तमाशा है, यहां जितने इकट्ठे हुए हो ये सब मिल नहीं सकते, माता पिता भाई बंधु सब बिछुरते चले जा रहे हैं। जो ही आकर सब इकट्ठे मिले हो ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, ये कुछ समय का है, संतों ने इसे दो घड़ी का है, ऐसे ऐसे व्यतीत हुआ। हम लोग परिवार को अपना मैं मानकर, मेरा मानकर के जो पोषित कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए है। जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आए, मिल मिल जुदे हो ये पल माही आप को जावे। जैसे नदी पार करने के लिए 50 लोग इकट्ठे हुए नाव में बैठे,
नाव किनारे पहुंचे, सब अपने अपने मार्ग को चले जाते, कोई किसी का साथ नहीं देता है। ऐसे ही मृत्यु का समय आया, चला। आप कितना भी प्यार करो, वो लौट के आपसे पूछने के लिए नहीं आएगा, आप कैसे हो। या आपने कितना भी सबके लिए किया है, मोह से युक्त होकर अपना जीवन, विशेष जीवन आपने दे दिया, लेकिन आपकी क्या दुर्गति होगी, किसी को कोई परवाह नहीं है। फूंक ताप के 10-5 दिन में वो जो दिन क्रिया हुई, इसके बाद सब मौज मस्ती में होते हैं। कोई तुम्हारा चिंतन, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कोई तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगा। वो अगर कोई रोता है तो हमने सुना है कैसे रोता है। आज तक हमने जो कहा वही इन्होंने पूरा किया, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रोता है। अब कौन हमारी बात सुनेगा। तुम कितना हमें चाहते थे, कोई नहीं उतना चाहता। क्या कह के रो रहा है, क्या कह के रो रहा है? अपनी कामनाओं की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए रो रहा है, तुम्हारे लिए नहीं रो रहा वो। या बारी बिच फूल घनेरे, रंग सुगंध सुहावे, लागे खिले फेरी कुम्हलावे, झरे टूट बिन शावे। ये भगवान का बगीचा है संसार, रंग बिरंगे फूल हैं। कुछ तो कली ही मुरझाकर नष्ट हो जाती है, कुछ फूल खिलकर नष्ट हो जाते हैं, कुछ में ऐसी सुगंध आती, थोड़ा सुगंध फैलती, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये बगीचा केवल देखने में सुहावना लगता है, बड़ा भयावना, इसमें मृत्यु का तांडव हो रहा है। आप देखो प्रतिपल मृत्यु भयावह, पर कैसी माया है। सामने वाला पतिंगा जला, फिर भी वो जाके उसी में जलता है। ऐसे फूंक के आ रहे हैं एक को, और उनको ये वैराग्य नहीं हो रहा कि मेरे शरीर की भी यही दशा होनी, मुझे कुछ कर लेना चाहिए, ऐसी कुछ कर लेना चाहिए जिससे हम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं कर पाता? दारा सुत संपत्ति को सुख, ज्यो मोती ओश बिलावे, यहां ही मिले और यहां ही नासे, ता क्यों क्यों पछतावे। अरे भाई, ये पुत्र परिवार का मिलन और ये सुख ऐसा है जैसे पत्ते में ओस की बूंद, कितने सेकंड में ढल जाएगी कुछ पता नहीं, ऐसे ही ये है। बड़े हर्षित हो रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं, बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है, फूले नहीं समा रहे, और काल की अवधि बहुत अलु खत्म। अब वो बूंद जो है पत्ते में गिर गए, अब किस बात को लेकर यहां खुशी मनाई जाए, किस बात को लेकर हम यहां गर्व करें। बहुत सावधानी की जरूरत है। जो यहां मिला वो यहीं छूट जाएगा। आप जब जाओगे तो आपके साथ हरि भजन वो किया नहीं, आपके साथ ही हरि उनको माना नहीं, क्या करो। दय कछु लय कछु कर ले करनी, रहनी गहनी भारी, हरि सोने लगाओ आपनो, ये ही तेरे हितकारी। कुछ दे दे, क्या? सबको सुख देने की भावना, सब में प्रभु की भावना। जो भी तुम्हारे पास मन वचन कर्म से प्राप्त हुआ है वो सबको सुख देने के लिए है, सब में प्रभु है। ये बात समझ में नहीं आएगी, सबको क्यों सुख दें? क्योंकि सुख मिलना है। आप सिद्धांत समझो, आप सबके सुखों को खींच करके उनको दुख देकर सुखी होना चाहते हो, तो वो दुख लौट कर बड़ा भारी रूप रख करके आपको भोगना पड़ेगा। आप दूसरे को सुख दिए तो सुख लौट के बड़ा भारी सुख आपको देगा। ये सिद्धांत समझो ना, पर समझ ठीक है नहीं तो। हम दूसरे को दुख दे करके अपने को सुखी मानना चाहते हैं, तो वो दुख बहुत बड़ा रूप रख के आता है और हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, आज तक तो सब लोग सुख के लिए ही कर रहे हो, तो सुखी हो जाना चाहिए, मतलब गलत है, कहीं ना कहीं सिद्धांत गलत है। सत्संगति को लाभ बड़ो है, साधु भक्त समझावे, चरण दास ही राम सुमिर ले, गुरु सुखदेव बतावे। चरणदास जी कह रहे, तुम्हारा परम हितकारी हरि है, उसी से नेह लगा लो, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करो, प्रभु के नाम का निरंतर रटन करो।
अब ये बात हमारी समझ में आई सत्संग के द्वारा कि हमारे जीवन के जो दो बात उद्देश्य बन रहे थे कि एक तो क्या करें, परिवार का पोषण करें या हरि भजन करें, तो दो भाव जो बने थे उनको तो मिटार दो, दो है ही नहीं। घर गृहस्थी में जो है बिल्कुल उसे बंधनकारी मत समझो, प्रभु का सब कुछ मानकर नाम सुमिरन करते हुए जो सेवा करो, अरे बड़ा आनंद आता है। आपको लगता है कि बैठकर भजन होता है, बिल्कुल ये मन की चाल है, नहीं होता। मन को भजन में नहीं लगाओगे तो चाहे पड़े रहो चाहे बैठे रहो, भजन नहीं होने वाला। और अगर भजन में लगाओगे तो फावड़ा चलाते हुए भजन होगा। जब नाम का अभ्यास करना था तो नई अवस्था थी, तो गुरुजन हर समय सेवा में लगाए रहते थे, बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं आश्रम में थी, उठा उठा कर उनको जमा कर खोद के बना बराबर करना, तुलसी का बगीचा लगाना, गेंदे का बगीचा लगाना, और वृक्षों को हैंडपंप से भर भर के पानी, 100-100 बाल्टी खूब सींचना खूब, और उसमें भी नाम स्मरण करना। और जो पूर्व सदगुरुदेव भगवान थे बड़े ही बाहरी कठोर नियम वाले, और उस समय नाम का अभ्यास उसी समय करवाया गुरुदेव भगवान ने, ऐसे नाम पूरे में सोने लगाना, पर गुरुदेव भगवान की कृपा से ये समझ में आया। तो हमें लगता है कि कोई भी काम करते हुए भजन हो सकता है, कोई भी। अरे जब युद्ध हो सकता है तो और क्या बात है। अब बोलो आपका निर्णय कि मैं परमार्थ में जाऊं या व्यवहार ठीक करूं। हम कह रहे हैं वो व्यवहार ही परमार्थ बना लो ना, भागने की जरूरत कहां है। और जब आपकी अरुचि बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, वो तो स्थिति आएगी। और अगर स्थिति के लिए बिना तुम भागोगे तो यहां के वही प्रपंच करोगे, यहां भी वही प्रपंच करोगे, भजन नहीं होगा,